मर गया था। अब बात है एंड भाई स्प्लेंडर वाला देखो भाई हेलो गाइज वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल द ब्लैक वुल्फ 1211। तो कैसी मेरे वुल्फ फार्म आओ कि आप सब ठीक होंगे अच्छे होंगे। तो गाइज आज का ब्लॉग जो है शुरू हो रहा है यार अपनी शॉप से, बर्जर की हार्डवेयर शॉप है जो ब्लॉग है, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि पापा भी दुकान पे थे तो मेरे को बैठना पड़ा यहाँ पे। शाम के टाइम पे हमने निकलना है राइड पे तो मैंने सोचा क्यों ना इंट्रो मैं पहले शूट कर लूँ क्योंकि बाद में फिर यार एकदम से ही प्लान बन जाता है, एकदम से हमें निकलना पड़ जाता है। बाकी के इंट्रो करते हैं दूसरे कमरे से। 2000 years later. भाई शाम के बज चुके हैं यहाँ पे 6, अंधेरा वगैरह होने वाला है। कब मेरे को कॉल आया था, विव कह रहा था भाई राइड पे जाना, आने का टाइम बड़ा गलत हो गया हुआ है, थोड़ा सा अपना शेड्यूल जो है चेंज करना पड़ेगा। पता क्या होता है यार रात को यार फिर लेट नाइट जो एडिटिंग करनी पड़ती है, एडिटिंग के चक्कर में जो है बज जाते हैं भाई लोग 2:30-3 बज जाते हैं मजे से, चक्कर में भाई लोग नहीं कर पाते। अभी जो है फटाफट से चलते हैं भाई लोग राइड के लिए। आप लोग कमेंट्स नहीं करते यार, बहुत कम कमेंट्स आते हैं एंड आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। तो लिटरली मेरे साथ कभी बैठना यहाँ पे आके आप लोगों को पता लगेगा भाई रात के 3-3 बज जाते हैं मेरे को वीडियो एडिट करते हुए। जान सकता है भाई लोग जो वीडियो बनाता है और जो वीडियो एडिट करता है वो ही बता सकता है कि भाई कितना टाइम लगता है इसको, इतनी मेहनत लगती है इसमें, इस चीज को जज नहीं कर सकते हो। चलो यार आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी आप तभी लाइक करोगे, तभी शेयर करोगे, तभी कमेंट करोगे। A few moments later. भी यार मेरे को विव भाई का फोन आया था तो मैंने ब्लॉग वगैरह बनाना नहीं था क्योंकि अभी यार अभी रात हो गई थी, बट यार वो मेरे को जिद कर रहा है, कहता है यार मैं राइड के लिए निकला हुआ हूँ अभी जल्दी से आओ। क्या बात है यार, काफी देर के बाद ही मैं मशरूम मतलब ऐसी राइड करने लगा हूँ। सो मैं करता नहीं हूँ यार आजकल क्योंकि मम्मा ने मना किया हुआ है। देखो अंकल कहाँ चल रहे हैं बीच रोड के ऊपर, थोड़ा तो साइड होके चलो यहाँ फिर अपनी वाली लेन में चलो, अपने वाले रोड पे चलो। सो आई डोंट नो अब विव कहाँ पे वेट कर रहा होगा, अब जाकर ही पता लगेगा। सो मेरा पहले बाइक में फ्यूल ही नहीं है, सुबह का निकला हुआ था भाई कॉलेज गया हुआ था तो कॉलेज से आकर रहा, थक गया हुआ था बड़ा ज्यादा। अभी मतलब मेरा कोई मूड था नहीं यार ब्लॉग वगैरह बनाने का इस टाइम पे, मैं बता रहा हूँ यार इतना ज्यादा क्राउड होता ना, इतना ज्यादा ट्रैफिक होता ना, सो थोड़ा देख सुन के चलना पड़ता भाई। इस टाइम पे रैश करना मतलब यार तुम खुद मौत से पंगा ले रहे हो क्योंकि किसी गाड़ी वाले का कोई भरोसा नहीं होता भाई, कब कोई कहां से कहां गाड़ी का मुंह मोड़ दे एंड स्टीयरिंग मोड़ दे जैसे इसने मोड़ के रखा हुआ है, कोई पता नहीं कब एक्सेलरेट कर दे। सो भाई देख सुन के चलाओ, आजकल जो सीन है ना यार आजकल कोई भी नहीं देखता भाई, आजकल हर बंदा जो है ना भाई बता रहा अपने आप में सब फाइटर बने हुए हैं कि भाई हम ही फाइटर हैं, हमसे बड़ा कोई फाइटर है नहीं, हर बंदा यही चीज सोचता है। तो भाई ये चीज मत सोचो, रोड पे और भी बाकी भी चल रहे होते हैं भाई, मैं खुद भी मानता हूं मैं भी तेज चलता हूं, मैं उतना ही चलता हूं यार जितना मैं खुद चला सकता हूं या फिर मेरे को पता है कि ये मेरी बाइक कंट्रोल हो जाएगी, मैं अपने कंट्रोल या मैं अपने आपे से बाहर की राइड करूंगा ना भाई, सिंपल सी बात है यार, खप्पे होना जो है ना भाई निश्चिंत है भाई। तो गाइस ये आ गया अपना छपरी राइडर और जाने क्या हाल है, ठीक हो? तो गाइस विव कह रहा है आज मौत का कुआं दिखाएगा। अच्छा तेरा मौत का कुआं वो, देखो गाइस छपरियों की सोच देखो। तो भी भाई जो आगे चले गए हूँ, सो यार मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा रैश ना चलूं। और ये देखो भाई हो गए शुरू दोनों, ये देखो भाई विव नहीं मानता भाई, R15 वाला भाई फिर थोड़ा सा ना नॉर्मल चल रहा है, पर विव देखो भाई लहरा रहा पूरे चलते, ये थोड़ा सा ना छपरीपन लेके आया था अपने अंदर, बड़ा अच्छा राइड करता है ऐसी बात नहीं है, ये देख रहे हो, ये देखो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्या बात है, ये देखो इसकी क्लोज कॉल, ये मर गया था। नहीं यार 390 नहीं मानती यार, लोगों के रिएक्शन देख रहे हो यार, ये बाइक ना इतनी प्यारी बाइक ना लिटरली यार इसकी आवाज इतनी प्यारी है ना, जब ये निकलती है ना रोड करती हुई मजा आ जाता है यार आवाज सुन के, सीरियसली बता रहा हूँ यार, बाकी आवाज है यार 390 की। ये देखो ये देखो ये देखो क्लोज कॉल देना जब शुरू होता है ना भाई, ये नहीं मानता। एंड यार ब्रेकिंग भी काफी अच्छी 390 की, ये देख रहे हो, ये देखो भाई कैसे लहराते हुए निकल रहे हैं यहाँ पे, पूरी एक ना गैंग की तरह, जैसे भाई फाइटर प्लेन्स निकलते हैं ना भाई जिस तरीके से है ना एकदम कट्ठे ही, उसी तरीके से भाई लोग अब निकल रहे हैं यहाँ पे एंड काफी मजा आ रहा राइड करने में। शाम के टाइम पे यार मैं पहली बार ही राइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं शाम के टाइम पे जो ना मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं करता क्योंकि चक्कर पता क्या होता है यार ना वीडियो इतनी क्लियर नहीं आती है, थोड़ा अंधेरा बन हो जाता है, अंधेरे अंधेरे में ना वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनती, इतनी साफ नहीं बनती। तो अभी यही है कि अंधेरा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई ये रुकी जाते हैं 10-10 मिनट के बाद भाई, इसकी आवाज बड़ी प्यारी है यार, की पिकअप जो अच्छी से चलेगी, ये देख रहे हो मेरी रिएक्शंस। चल चल क्या बात है एंड भाई स्प्लेंडर वाला देखो भाई क्या बात है, स्प्लेंडर वाला हमें देख के मशर गया हुआ भाई, तगड़े साहब का मशरा हुआ है।
A few moments later. गाइज यार अभी इतनी तगड़े साहब की मैं बता रहा हूँ ना हमने राइड की, पर सीन क्या हो गया, इतनी तगड़ी वाली मैं बता रहा हूँ राइड हुई, मेरे को अभी पता लगा भाई मेरा कैमरा ही नहीं ऑन हुआ था, सो मेरे साथ स्कैम हो गया भाई तगड़े साहब का, एंड फिर उन्होंने भगा लिया आगे, मैं कैमरे को सेट कर रहा था और ये बंदे देखो रॉन्ग साइड आ रहे हैं पुल के ऊपर से, खतरनाक वाली राइड की ना, इतनी गंदी क्लोज कॉल थी, तुम्हें इतना बुरा लगता ना यार जब तुमने कैमरा ऑन किया होता है एंड बाद में तुम्हें पता लगता है कि भाई कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था भाई। 390 में जो पावर है ना यार सीरियसली, एंड आगे देखो भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, एंड आई थिंक नाका भी हो सकता है मेरे हिसाब से, शायद से लगा हुआ नाका, और रुकना गाड़ियाँ निकलने दे, थोड़ा सा गैप बनने दे, निकलेंगे आना, डर क्यों रहा साले, ओ सब कुछ तो है आया, यहाँ पे इन्होंने मोड़ ली पर मेरे को समझ नहीं आ रही भाई ये कर क्या रहे हैं, ओ चल यार वो इशारा करने दे, कोई चक्कर नहीं थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर होता नहीं, निकालो, ओ डर क्यों रहे हो यार तुम ऐसे करने, ओ इन्ना क्यों डरते हो यार चलना वहाँ, ओ नहीं पकड़ोएगी, रुकना ट्रैफिक क्लियर होने दे फिर चलते हैं, ट्रैफिक देख वैसे भी क्लियर हो गया, ओ नहीं आएगा वो आगे हम तेज निकलेंगे नहीं आएगा, ओए क्लियर हो गया बिब, निकाल 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 मौका कसम निकाल, क्लियर हो गया साले निकाल, भाई 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 ये देखो भाई क्या सीन, तगड़ा सीन भाई, क्या नाका क्रॉस किया माँ की कसम, बंदे ने विप के आगे बैरिकेड डाला एंड मैं दूसरी वाली साइड से निकल गया, एंड R15 वाला भाई है वो पीछे रह गया हुआ है, वो बंदा ट्रैफिक वाला जो था ना पुलिस वाला था वो पीछे से देखता, कहता वो देख वो निकल गया दूसरी साइड से, आगे बैरिकेड दिया ना, मैं इस साइड से निकल गया माँ की कसम, नहीं यार वो किधर रह गया, वो फंस गया कहीं ना, हेरा कांड मैंने क्या करा, कांड कराया इधर कोई नाके ऊपर फड़े था, कोई मुड़ेगी मोटरसाइकिल वाले मुड़े ही फड़े था कोई, कुसी कुसी केड़ा सिल्वर ये कलर था मोटरसाइकिल, हेलमेट पाए थी लिशकनी यार, वो R15 वाला भाई था आई थिंक वो वहीं पे रह गया, वो निकल ही नहीं पाया, सो आई थिंक उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया हुआ है मे बी, मेरे को लग रहा है जहाँ तक, भाई यार जब तुम निकाल रहे हो ना फिर रुकना नहीं होता यार, बट यार ये डर जाते हैं, ये डरते डरते निकलते हैं यार, देखो अभी वाली साइड ना उसने बैरिकेड फेंका, उसने बैरिकेड आगे कर दिया एंड मैं दूसरी वाली साइड से निकल गया, सो गाइस हम लोग ये वो चीज़ नहीं प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हमने नाका तोड़ा या हमने ऐसा कुछ किया, भाई मेन सीन ये है कि हम राइडर्स अगर कहीं राइड भी करने जा रहे होंगे ना भाई ये जानबूझ के रोकते हैं एंड ये जानबूझ के सीधे बाइक सीज करते हैं, मेन मसला इसलिए है भाई हम इसलिए नहीं रुकते हैं, वरना भाई मैं आपको खुद अभी अपने डॉक्यूमेंट्स भी चेक कराऊंगा, अपना लाइसेंस भी चेक कराऊंगा, भाई मेरे पास A to Z सारी की सारी चीज़ें हैं, मेरी बंदे यार मेरी वजह से क्या, ये कोई बात यार विव ये कोई बात नहीं होती यार, एक तू कैसे निकल गया फिर पहले, तू रुक जाता अगर मेरी वजह से मेरा नाम क्यों दे रहा तू इस बात पे, तू कह रहा है तेरे फोन भी नहीं कर सकते दूसरे, तो फोन तो कर रहा हूँ मैं, बोल तो रहा हूँ ये क्यों बोल रहा है कि फंस जाएगा बैंड, तो मेरी वजह से फंसा ये क्या बात हुई, मैं तेरे को कह रहा हूँ तेरी वजह से, मैंने कहा तेरे को उससे अच्छा सुन, उससे अच्छा वो था वो जो क्या नाम है जिक्सर वाला वो निकल आया, बोल आया मिस कॉल उसकी, मेरा फोन भी नहीं चल रहा है, 90 86 86 7 आई थिंक बन गया हुआ है, ले कर बात, हेलो क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ भाई का फोन आया था, भाई का फोन आया हुआ था एंड बाइक जो है सीज हो गई है, मैंने सोचा नहीं था भाई ऐसा कुछ हो जाएगा, तुम्हें पता है यार तुम मेरे आगे चल रहा है, मतलब मैं तेरे आगे चल रहा हूँ तो कम से कम तू मेरे पीछे रहा है एंड फटाफट से बाइक निकाल ले, वो बंदा निकाल ही नहीं पाया यार बाइक वहां से, पुलिस वाले आगे आगे यहाँ बैरिकेड फेंक दिया उसके आगे एंड वो उसकी बाइक जो है सीज कर दिया, उसको भी आई थिंक अभी थाने वगैरह ले गए हुए हैं, काफी बुरा लग रहा है बाइक के लिए, तो यार अंधेरा काफी ज्यादा हो गया मेरे को लग नहीं रहा कैमरे में कुछ शूट हो रहा होगा, सो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना गाइस, मिलते हैं आपसे ऐसे ही अच्छी और न्यू ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा, आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया, आई लव यू मेरी क्यूटी, बाय जो मैंने देखा।